फोल्डर बना लिया है ग्रेड चेकिंग ऐप के नाम से। अब इसके अंदर ये पहले का जो कोड है सारा इसको मैं उड़ा देता हूँ और यहाँ पे आके मैं हेडिंग डाल देता हूँ कि एंटर योर परसेंटेज। टू नो योर ग्रेड राइट, मैंने कहा कि भाई एंटर योर परसेंटेज और हम आपको आपका ग्रेड बता देंगे कि है स्क्रिप्ट। अब स्क्रिप्ट के बाद ना मैं एक इमेजिन कर रहा हूँ कि एक वेरिएबल होगा जो यूज़र से मुझे मिल रहा होगा। तो मैंने कहा कि भाई लेट परसेंटेज इक्वल्स टू, मैं फ़िलहाल हाथ से लिख रहा हूँ लेकिन ये यूज़र से मुझे मिल रहा होगा। इनपुट आउटपुट हमने फॉर्म के ज़रिए जो लेना सीखा है ना उस तरीके से ये इनपुट आपने लेना है यूज़र से। ठीक है, सब लोग थे उस क्लास में जिसमें हमने फॉर्म से इनपुट लेना सीखा था। कोई नहीं था अगर तो वो अपने दोस्त से पूछ सकता है और उसका कोड भी पुश हुआ है तो वो कोड भी आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो उसकी रिकॉर्डेड है बट वो अभी नहीं मिलेगी आपको, वो जब कंप्लीट हो जाएगा टेस्ट वेस्ट हो जाएगा उसके बाद मिलेगी। अच्छा जी, अच्छा क्योंकि मैंने नंबर स्केल चेक करना है इसमें, एक्चुअली काम तो मैं वही कर रहा हूँ, नंबर स्केल पर मैंने इसको चेक करना है। तो नंबर स्केल ज़रा जल्दी से आगे बना लेते हैं। एक ये मेरा नंबर स्केल है, अच्छा ये ज़ीरो है और ये ज़ीरो से ये माइनस की तरफ जा रहा है, पूरा कंटिन्यू है। अच्छा उसके बाद यहाँ पे ये काइंड ऑफ 50 है, 50% हमने मिसाल के तौर पे पासिंग मार्क रख दिया। अच्छा ये हमारे पास जो है वो फिर 60 है, ये हमारे पास जो है वो 70 है। अच्छा उसके बाद 80 है, 90 है, 100 है एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, बहुत ही कोई आला किस्म का 80 बनाई। यार इसको जूम इन करना पड़ेगा। सही है, ये नंबर स्केल हमारा तैयार हो गया। अच्छा हम इस नंबर स्केल में इस तरफ से भी प्रोसीड कर सकते हैं और इस तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ख्याल है किस तरफ से प्रोसीड किया जाए? ज़ीरो की तरफ से कर लेते हैं, है ना। तो लास्ट टाइम बाई जब हमने दोनों की तरफ से करके देखा था तो वो एक ही बात है। अच्छा तो सबसे पहले मुझे क्या करना है चेक, ये क्या किया मैंने, ये मैंने क्या किया, जूम आउट कर दिया मैंने इसको, व्यू व्यू जूम जूम जूम। क्या कर दिया मैंने ये भाई। अच्छा तो सबसे पहले मुझे ये चेक करना है कि ज़ीरो से अगर छोटा है ना परसेंटेज, अगर एंटर कर दिया किसी ने तो वो इनवैलिड है। तो सबसे पहले तो ये बात चेक होगी। तो मैंने कहा कि भाई अगर परसेंटेज अगर छोटा हो जाए ज़ीरो से, ठीक है, तो इनवैलिड है ये। अच्छा ज़ीरो से छोटा का मतलब है जब तक ज़ीरो होगा जब तक ये उसको कंसिडर नहीं करेगा इनवैलिड, क्योंकि ज़ीरो परसेंटेज हो सकता है, हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है, क्योंकि तमाम सब्जेक्ट में अगर एग्जैक्टली ज़ीरो नंबर होगा तो ज़ीरो हो जाएगा वो। ठीक है, अच्छा वैसे बाय द वे 0% रियलिटी में नहीं हो सकता, वो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ज़ीरो नंबर नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे लिटरेचर वगैरह के सब्जेक्ट होते हैं ना, अगर उसमें कुछ भी लिखा है बंदे ने और राइटिंग उसकी ठीक है अगर, या लिखा है एटलीस्ट कुछ ना कुछ, तो फिर उसको कुछ ना कुछ नंबर देना पड़ता है। ठीक है, बिल्कुल ब्लैंक कॉपी छोड़ने पे शायद फिर ज़ीरो दे सकता है बंदा मे बी। तो इसलिए ज़ीरो इज़ नॉट अ रियल थिंग, बट हम क्योंकि सॉफ्टवेयर में हैं तो अगर 0.01% चांस भी है ना कि ये हो सकता है तो हमें चाहिए कि हम उसको भी कवर करें अपने सॉफ्टवेयर की लॉजिक में। तो 0% रियल चीज़ नहीं है, आमतौर पर ज़ीरो नहीं हो सकता किसी का, शायद हज़ारों में लाखों में किसी एक का होता होगा, तो इसलिए हम ज़ीरो को कवर कर रहे हैं। कॉन्सोल डॉट लॉग,
इनवैलिड परसेंटेज मस्ट बी बिटवीन 0 and 100. ठीक है जी, तो ये एक इफ हो गया. एल्स इफ कि अगर ये बात ट्रू नहीं होती है तो, ये बात अगर ट्रू नहीं होती है तो अब अगला क्या होगा कि या तो ज़ीरो हो, इसको ज़ीरो को मैं ऐड कर रहा हूँ लॉजिक में, और ज़ीरो से लेके 49 तक जो है ना, ये इसके लिए मैं कलर चेंज करता हूँ पेन का, ये फेल है ये, सही है. ज़ीरो इसमें शामिल होगा, सही है, और 50 इसमें शामिल नहीं होगा. 49 तक जो है ना ये बंदा फेल है, सही है. एक लॉजिक मुझे ऐसी अब बनानी है जिसमें ये इतना पार्ट कवर हो जाए, ज़ीरो इंक्लूडेड और 50 नॉट इंक्लूडेड. अब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, परसेंटेज पहले तो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो, सही लिखा है मैंने ये, परसेंटेज ग्रेटर देन ज़ीरो जो मैंने लिखा है, और साथ में एंड एंड लिखूँगा परसेंटेज जो है वो लेस देन 50. तो अब ये ज़ीरो इंक्लूड हो गया इसके अंदर, अगर ज़ीरो होगा तो ये ट्रू होगी कंडीशन. भाई परसेंटेज में ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो इज़ नॉट ग्रेटर देन ज़ीरो, ये तो फॉल्स हो जाएगा. तो मुझे क्या करना होगा कि परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू भी लगाना होगा, सही है. परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो अगर हो, एंड साथ में ये बात भी ट्रू होनी चाहिए. नहीं देखो, यहाँ पे जब 49 होगा ना तो ये जभी तक ट्रू होगा, जैसे ही यहाँ पे 50 हो जाएगा ना ये फॉल्स हो जाएगा, तो 50 इसमें इंक्लूडेड नहीं है. हाँ बिल्कुल, ज़ीरो से कम किसी ने माइनस में नंबर दे दिया तो मैं बोलूँगा उसको कि इनवैलिड है. तो नंबर स्केल में कोई भी ऐसा डिजिट नहीं होना चाहिए जो मेरे पास कवर्ड ना हो, सही है. अच्छा अभी तक ये सही है, सब समझ आ रहा है सबको? अच्छा तो अभी मैंने कहा कि भाई ज़ीरो से इक्वल या बढ़ाओ, और साथ साथ एट द सेम टाइम 50 से छोटा भी हो, तो इसके दरमियान जो नंबर आते हैं ना, ये दोनों कंडीशन जिस नंबर पर ट्रू होगी वो ज़ीरो इंक्लूडेड 1, 2, 3, 4 से लेके 49 तक ये ट्रू होगी कंडीशन. 50 हो गया अगर तो ये फॉल्स होना शुरू हो जाएगा, तो वो एंड में एक तरफ भी फॉल्स हो जाए तो फॉल्स होता है, और अगर ज़ीरो से छोटा हो गया तो इस तरफ वाला फॉल्स होने लग जाएगा, तो इस तरफ वाला क्या कहते हैं फॉल्स होगा तो भी वो पूरा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि बीच में एंड लगा हुआ है. अच्छा तो ये ज़ीरो से लेके 49 यहाँ पे कवर हो गया. अच्छा यहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, सॉरी यू आर फेल, सॉरी यू आर फेल्ड. अब अगली कंडीशन मुझे क्या लगानी है, एल्स इफ. अब ये इतनी बात तो मैंने कवर कर ली, सही है. अच्छा एक लॉजिक मैंने जो बनाई थी वो ये इधर इस साइड के लिए कि ज़ीरो से कम जितना होगा वो सब इस तरफ पूरा कवर्ड है. अब इधर जितना भी छोटा नंबर आ जाए ना ज़ीरो का, ज़ीरो से -200 -3000 उस सब में वो ज़ीरो से नीचे वाले पे वो कवर हो जाएगा. अब मैं आ जाता हूँ अगली लॉजिक पे अपनी. अच्छा एक मिनट, 51 वाले को कौन सा ग्रेड मिलता है बाय द वे? ये ए वन हो गया इतना, ये ए हो गया, डी बन रहा है मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से. अच्छा 80 से लेके 100 तक ए वन होता है क्या? अच्छा अच्छा सही सही, मैं भूल रहा था, ये सही है. 80 से लेके 100 तक ए वन है, उसके बाद ये वाला जो पार्ट है वो ए है, ये बी है और ये सी है, सही है, गॉट इट.
तो अब मुझे एक ऐसी कंडीशन बनानी है जिसमें 60 इंक्लूडेड ना हो और ये 50 इंक्लूडेड हो, देख रहे हो 50 इंक्लूडेड है इसमें, कि 50 हो गया जैसे ही तो सी में दाखिल हो गया ये। अच्छा, और 59 तक ये सी में रहेगा, 60 पे जैसे जाएगा तो वो उससे आगे बढ़ जाएगा। तो अब मुझे लगाना है कि भाई 50 परसेंटेज अगर बड़ी हो या इक्वल हो 50 के, 50 के इक्वल और या 50 से बड़ी, यानी कि 51, 52, 53, एंड एट द सेम टाइम परसेंटेज लेस देन 60, तो मैं बोलूँगा कि यू गॉट सी ग्रेड। अच्छा, अब अगली कंडीशन में क्या लगाऊंगा बी ग्रेड के लिए, आ जाते हैं यहाँ पे। सही है, अब मुझे एक ऐसी परसेंटेज लगानी, ऐसी कंडीशन लगानी कि 60 उसमें शामिल हो और 70 उसमें शामिल नहीं हो, 69 तक वो जाए। तो परसेंटेज या तो 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ा हो, राइट। परसेंटेज 60 के इक्वल हो या 60 से बड़ा हो, मतलब 61, 62, 63, एंड परसेंटेज छोटा हो 70 से। परसेंटेज छोटा हो 70 से मतलब कि 69 तक ये ट्रू रहेगा, जैसे ही 70 होगा ये फॉल्स होना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम आ जाते हैं हमारे अगली लॉजिक पे। अब हम एक ऐसी लॉजिक बनाएंगे जिसमें 70 इंक्लूडेड होगा और 80 इंक्लूडेड नहीं होगा, है ना, 70 से लेके 79 तक। तो आ जाते हैं हम 70 से लेके 79 तक, मैंने कहा 70 से लेके 79 तक। सेवेंटी से शुरू किया ना मैंने, मैंने कहा परसेंटेज बड़ा हो या इक्वल हो 70 के, मतलब 70 इटसेल्फ, 71, 72, 73 ये शामिल है, है ना, 70 से शुरू है और 71, 72 शामिल है, और उसके बाद 80 से छोटा मैंने कहा है, तो 79 तक ये ट्रू रहेगा, 80 पे फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं इक्वल लगाऊंगा ना फिर 80 तक जाएगा, बट मैं इक्वल नहीं लगा रहा, तो 79 तक ये ट्रू रहेगा, 80 पे ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो 80 पे अब मैं एक दूसरी लॉजिक बनाऊंगा बेटी की, 80 से 100 तक अब मुझे एक लॉजिक चाहिए ना, नहीं A1 तो लेके 80 से 100 तक A1 है ना पूरा, हमारे केस में हमने ये कैलकुलेट किया हुआ है। तो अब मैंने कहा भाई 80 को शामिल करो और 100 को भी शामिल करो। अब ये 100 को शामिल करने में ना यहाँ पे एक मंजन है, सही है, आ जाते हैं उस मंजन को ज़रा देख लेते हैं क्या है। अच्छा, मैंने कहा कि भाई 80 के इक्वल हो या 80 से बड़ा हो, यानी 80 इटसेल्फ और 81, 82, 83 वगैरह, ठीक है, और 100 से छोटा हो। यहाँ पे इक्वल्स टू भी लगेगा, सही है। अच्छा, क्या मैं ये इक्वल्स टू हटा के उसको 101 कर सकता हूँ, सही है। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि लेस देन और इक्वल टू में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहाँ पे आपको लेस देन चाहिए ना, वहाँ पे आप लेस देन इक्वल्स टू नहीं लगा सकते, और जहाँ पे आपको लेस देन इक्वल्स टू चाहिए वहाँ पे आप लेस देन नहीं लगा सकते, एक पॉइंट बढ़ा के भी नहीं लगा सकते। और ये उसकी बहुत ही परफेक्ट एग्जाम्पल आ गई है अचानक से। अच्छा, अब देखो क्या होगा, मैंने कहा 101 से छोटा तो ये 100 तक ट्रू होगा, और 101 जैसे हो गया तो फॉल्स हो जाएगा, जो देखने में सही लग रहा है, इसमें कोई मसला, कौन इसमें आइडेंटिफाई करेगा कि मसला क्या है, पॉइंट्स में आ गया। अगर तो अगर कोई यहाँ पे इस जगह पे 100.5 लिखेगा तो ये 101 से तो छोटा है, ये तो अभी भी ट्रू हो जाएगा, लेकिन हालांकि 100 से एक पॉइंट भी ऊपर है तो वो फॉल्स है। ठीक है,
100.1 भी लिखेगा तो ये भी इनवैलिड है, लेकिन इस पर ये अमेरिका, इसमें ये ट्रू हो जाएगा, सही है। तो मैं वापस आऊँगा और मैं क्या करूँगा, इसको लेस देन और इक्वल टू करूँगा 100। अब यहाँ पे क्या होगा कि एग्जैक्टली ये 99.9 तक ये ट्रू है, उसके बाद ये मतलब 99.9 क्या हो गया, लेस वाला हो गया, और इक्वल्स टू पे ये पूरे 100 पे ट्रू करेगा। अब अगर 100 के बाद 0.001 भी डाल दिया ना, ये फॉल्स हो जाएगा, सही है। अच्छा, ये काम मैं सिर्फ लेस देन से नहीं कर सकता, मुश्किल है करना लेस देन। चलो ये काम लेस देन से करने के लिए ट्राई करते हैं, सिर्फ लेस देन लगाया मैंने। अब इसमें क्या करूँ मैं, 0.1 डालूँ कि भाई 100.1 से छोटा हो, वैसे तो सही है ये लॉजिक कि भाई ये 99 तक ट्रू रहेगा, 100 पे भी ट्रू रहेगा, और 100.1 किसी ने डाल दिया तो फॉल्स हो जाएगा, 100.5 डाल दिया तो भी फॉल्स हो जाएगा, बट किसी ने 100.0001 डाला तो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ट्रू हो जाएगा, हालांकि ये वैल्यू क्या है, इनवैलिड है, ठीक है। तो जहाँ पे लेस देन चाहिए ना, सिर्फ लेस देन, वहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं लगा सकते आप, और जहाँ पे लेस देन इक्वल टू चाहिए वहाँ पे लेस देन नहीं लगा सकते। तो ये लेस देन और लेस देन इक्वल टू, ये दोनों अलग अलग ऑपरेटर बनाने का मकसद क्या है, इन दोनों का एक अपना अपना यूज़ केस है, एक दूसरे की जगह पे ये नहीं लग सकते, जैसा कि अभी तक आप समझते आए थे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको परसेंटेज बोलूँगा और लेस देन और इक्वल टू, और बोलूँगा मैं इसमें 100। अब ये एग्जैक्टली 100 तक चलेगा, उससे ऊपर ना उससे नीचे। अच्छा, अब यही वाली चीज़ जो है ना, हमें आइडेंटिफाई करनी है इधर भी, यहाँ पे भी हमें आइडेंटिफाई करनी है ना ये चीज़। अब हमारे केस में क्या होगा, मैंने कहा कि इक्वल टू हो 80 के या 80 से बड़ा हो, तो ये एग्जैक्टली 80 पे ही ट्रू होगा आगे, 79.9999 पे ये ट्रू नहीं होगा, जितना भी 9 लगा दूंगा, ये 80 पे ही आके ट्रू होगा और 80 से ऑनवर्ड्स होगा, ठीक है। अगर मैं ये कर दूँ, जैसे मैंने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया ना, शुरू में ही लगा दिया था, लेकिन अगर मैं इसको ये कर दूँ कि इसको 81 कर दूँ मैं, और ऐसे कर दूँ, सॉरी 79 कर दूँ, तो अब ये 79 से बड़ा हो तो मतलब ये 80 पे आके बड़ा होगा, मतलब 80 पे ये ट्रू होगा, है ना। लेकिन अगर किसी ने 79.9 डाल दिया तो इस पर भी ट्रू हो जाएगा ये, नहीं मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यहाँ पे लेस देन लगेगा या लेस देन इक्वल टू लगेगा या ग्रेटर देन इक्वल टू। तो यहाँ पे इस जगह पे ना ग्रेटर देन इक्वल टू के अलावा कोई चीज़ इस्तेमाल हो ही नहीं सकती यहाँ पे, है ना। बस यहाँ पे देखो ग्रेटर देन इक्वल्स टू लगाया ना, सेम सिचुएशन है, यहाँ वाली सिचुएशन यहाँ पे भी है। तो अब यहाँ पे मैं सिर्फ ग्रेटर देन लगा सकता हूँ क्या, कोई किसी भी सूरत में लगा सकता हूँ, सही है। अच्छा, मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, मुझे असल में मेरे इस ग्रेड के हिसाब से मुझे 80 को इंक्लूड करना है, लेकिन 80 को मुझे कब इंक्लूड करना है, 79.999 को नहीं इंक्लूड करना, एग्जैक्टली 80 को करना है और 80 से ऑनवर्ड्स, ठीक है। तो मैं चलो अगर कोशिश करता भी हूँ, तो मैंने कहा कि यार अब यहाँ पे किसी ने ना 79.9999 डाला है, तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ 79.99 से बढ़ाओ, ठीक है। तो मैंने कह दिया कि परसेंटेज बड़ा हो, 79.999 से बड़ा हो, तो ये हो गया, है ना। अच्छा, अब क्या यहाँ पे 80 से कम और 79.99 से बड़ी कोई वैल्यू बीच में बच रही है जिसमें ये गलती से ट्रू हो जाए? हाँ भाई, अगर किसी बंदे ने ना लिखा 79.99, तो इसका मतलब क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात है, और ये नोटिस में लेने वाली बात है, ये नोटिस में लेने वाली बात है। 79.99 से बड़ी और 80 से छोटी अगर मुझे कोई वैल्यू लिखनी है, तो वो क्या वैल्यू होगी, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि 79.99 है क्या असल में, जब आपको पता चलेगा कि क्या इससे बड़ी और 80 से छोटी कोई वैल्यू हो सकती कि नहीं हो सकती। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ना अगर दो लिखा है आपने, तो इसके आगे सब 0-0 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ये मैथ में भी ऐसे ही होता है, प्रोग्रामिंग में भी ऐसे ही होता है। तो अगर किसी ने
यहाँ पे आके 3 9 लगा दिए तो ये बड़ा हो जाएगा, और 80 से स्टिल छोटा है। तो अब मतलब कुल मिला के बात ये है कि कुछ भी कर लो ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू ही लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और 80 ऐसे करना पड़ेगा। सही है, तो ये एक नोटिस में लेने वाली बात है। एक तो नंबर स्केल हमने बनाया था ना, नंबर स्केल बनाने से एक भी वैल्यू मिस नहीं हो रही है, वरना आम तौर पे मैंने अच्छे खासे एक्सपीरियंस डेवलपर्स का कोड देखा है ना, वो सम टाइम उन्होंने बंड मारा हुआ होता है कि नंबर स्केल पे चीज़ को वो कर रहे होते हैं और बीच में एक नंबर मिस होता है। मतलब जैसे ये 60 है, अब 60 ना इस लॉजिक में आ रहा है ना इस लॉजिक में आ रहा है, वो बीच में ही कहीं है। मतलब ऐसे गलती हो जाती है। ये मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि उसको कोड नहीं लिखना आता, लेकिन आम तौर पे ये काफ़ी एक्सपीरियंस डेवलपर भी ये मिस्टेक कर जाता है। तो इस मिस्टेक को अवॉइड करने के लिए मैं खुद नंबर स्केल यूज़ करता हूँ, आपको भी मैंने ये सिखाया है। अच्छा, दूसरी बात मैंने ये आपको ये बता दी कि नंबर स्केल में भी ना, अगर जैसे ये 60 लिखा हुआ है, या अभी जैसे 80 का जिक्र हो रहा था, तो 79 और 80 के दरमियान क्या है? इन्फिनिटी है। तो इस इन्फिनिटी को ध्यान में रखना है कि 79.999 भी आप लिख देना, तो वो उस 79.999 और 80 के दरमियान अभी भी इन्फिनिटी है, उसके दरमियान कोई भी नंबर लग सकता है। ठीक है, तो आपको अगर एग्जैक्टली 80 पे जाके होना है तो 80 का इक्वल आपको लगाना पड़ेगा। भैया ये समझ आई ना ये बात, जो एक दफ़ा और भी मैंने जिक्र किया था कि भाई 1 और 2 के दरमियान क्या है? 1.1, 1.2, 1.3, 1.9 तक और फिर 2 है, तो 9 नंबर है। एक 1 इटसेल्फ और फिर 1.1 से लेके 1.9 तक, ये 9 नंबर हो गए और फिर 2 है, तो 1 और 2 के दरमियान में ये 9 नंबर है, मगर उन दोनों के दरमियान में भी कुछ नंबर्स हैं ना। 1.1 और 1.2 के दरमियान में क्या है? 1.11, 1.12 और 1.19 से तक जाके फिर 2 आता है, 1.2 आता है। ठीक है ना, तो ये इन्फिनिटी है असल में। अब फिर 1.11 और 1.12 के दरमियान क्या है? 1.111, 1.112, 1.113, ये इन्फिनिटी है। और इस ये वाली लॉजिक लगाते हुए ना, नंबर स्केल लगाते हुए, ये आपको ख़ास तौर पे ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अच्छा, एक होता है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट, सॉफ्टवेयर के अंदर ना एक चीज़ कहलाती है ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट। वो ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट ये होता है, मैं आई एम नॉट श्योर कि मैं सही ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा अगर आपको किसी को सही वर्ड पता हो तो। थोड़ा ज़ीरो डे बहरहाल कुछ करके नाम है उसका। वो हैकर्स जो है ना, ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट को यूज़ करते हैं और उससे आपके सिस्टम्स को हैक कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ज़ीरो डे एक्सप्लॉइट ना इसी तरह की चीज़ें होती है कि आपने 79 और 80 का कुछ मंजन किया है, तो वो बीच का कोई नंबर डालते हैं तो वो बाईपास हो जाता है। सही है, तो ये हैकिंग में भी ये यूज़ होती हैं ये सारी चीज़ें। वो असल में इसी तरह की गलतियाँ ना डेवलपर की ढूंढते हैं, और ढूंढ के वो निकाल लेते हैं तो फिर उनको मज़ा आ जाता है। सही है। अच्छा, स्टिल इतना सारा कुछ करने के बाद भी एक कोई भी इंसान, कोई भी डेवलपर परफेक्ट कोड ज़ाहिर है नहीं लिख सकता। ठीक है, लेकिन ये वो वाली सारी चीज़ें हैं जो जिसकी आदत बचपन से पड़ती है। बचपन का मतलब है जब भी आप कोडिंग सीखते हैं तो उस वक्त से ही आदत पड़ती है आपकी। अगर अभी सही आदतें पड़ जाएंगी तो ये साथ साथ चलेंगी आपके, और अभी अगर आदत ख़राब हो गई ये वाली तो ये साथ साथ चलेगी बिल्कुल। ठीक है, तो परफेक्ट डेवलपर तो ज़ाहिर है कोई भी नहीं होता ना, गलती तो होती है इंसान से, जितना मर्ज़ी उसको चेक एंड बैलेंस रख लें, लेकिन बेहतर ये है कि ये वाली आदतों को अभी से अपनाएं। अभी से अपनाएंगे तो आगे हाथ सेट रहेगा। ठीक है, अच्छा, बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज जो होते हैं, इंशाल्लाह आप सब लोगों की अभी जॉब लगेगी पाकिस्तान में, इतने बड़े बड़े सॉफ्टवेयर हाउस हैं, आप सब लोग वहाँ जाएंगे, सैलानी को, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट करेंगे पूरी दुनिया में जाके। और तो वहाँ पे ना कोड इंस्पेक्शन भी होती है, जब आप कोड लिखते हैं ना तो आपका सीनियर आपके कोड को रिव्यू करता है, तो वो रिव्यू में ना पता चल जाता है कि कौन कितने पानी में। ठीक है, तो जब वहाँ पे कोड रिव्यू हो ना तो सामने वाला इम्प्रेस होना चाहिए आपसे कि यार ये तो अभी फ्रेश आया है और इसका इतना अच्छा कोड है। उसमें ये चीज़ें भी समटाइम कवर हो रही होती हैं, समटाइम सिंटैक्स कवर हो रहा होता है, जो भी आपने कोड लिखने में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जो उस कंपनी के कुछ अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, तो वो सारी चीज़ें वो देखते हैं कि हाँ यार बंदे ने ठीक लिखा है कि नहीं लिखा। ठीक है, तो कोड का बाकायदा इंस्पेक्शन होती है आपके। फिर कुछ अगर बहुत ही कोई बड़ा प्रोजेक्ट है या कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट है तो उसके अंदर साइबर सिक्योरिटी का एक बेंच होता है, 2-3 लोगों का एक बेंच होता है, तो वो भी कोड को आपके रिव्यू करता है कि आपने कोड में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं की है जो बाद में सिक्योरिटी थ्रेट बन सकता है या सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी बन सकता है आपके लिए ना।
ठीक है, तो अभी इस पॉइंट पे हमने क्या कर लिया, इसको कंप्लीट कर लिया। अब हमारे नंबर स्केल में एक आखिरी चीज़ रह गई है कि इसको मैं रेड कलर ले लेता हूँ दोबारा से इसके लिए, क्योंकि ये इनवैलिड होने वाला है। अब तो मैंने कहा कि 100 के बाद जितना भी है ना वो सब इनवैलिड है, ठीक है। सॉरी, हाँ अच्छा, इसमें था यू गॉट ए वन और इसमें के वो इनवैलिड वाला पूरा ले आता हूँ मैं, सही है। अब देखो, परसेंटेज लेस देन हो या इक्वल टू हो 100, अब इक्वल टू 100 का मतलब क्या है कि जैसे ही ये 100 से एक पॉइंट भी ऊपर हुआ, यानी 100.00001 भी अगर दिया ना उसने, तो ये फेल हो जाएगी कंडीशन और ये एल्स में गिरेगा आगे नीचे, ठीक है। तो जहाँ पे ये लेस देन इक्वल टू चाहिए, जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए, वहाँ पे यही लग सकता है भाई, सिर्फ लेस देन वहाँ पे नहीं लगा सकते हम। ठीक है जी, जी बोले। हाँ हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हो। लेकिन अभी तो हम नंबर स्केल के हिसाब से किया है ना हमने, ये कि जो एक को पहले चेक किया फिर उसको बाद में दूसरे वाले को चेक किया। अच्छा, जब देखो बात तुम्हारी सही है, लेकिन एल्स में ना कोई कंप्यूटिंग पावर नहीं लगती, सही है। मिसाल के तौर पर अगर यहाँ पर मैंने इसको चेक किया है कि ज़ीरो से अगर छोटा था, ठीक है, और साथ में मैं ये भी चेक करूँ कि अगर 100 से बड़ा है तो वो कंप्यूटिंग पावर यहाँ पे मेरी लग रही है एक, ठीक है, एक्स्ट्रा लग रही है। अच्छा, फिर यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे चेक हो रहा है, यहाँ पे भी चेक हो रहा है और यहाँ पे भी चेक हो रहा है, और फिर लास्ट वाले में ना कोई कंप्यूटिंग पावर नहीं लग रही, एल्स पे कोई कंप्यूटिंग, बस यहाँ तक ये चेक करेगा आखिरी जब ये इफ चलाता है तो। अच्छा, लेकिन स्टिल यहाँ पे ऐसे करके ना मुझे चेक करना मेरे लिए लॉजिकल है, मेरे लिए क्या है, लॉजिकल है। उसका रीज़न ये है कि अगर 100 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो यहीं पे पता चल जाएगी, यहीं पे मुझे वो पता चल जाएगी। तो मिसाल के तौर पे कोई 100 से ऊपर की वैल्यू देता है तो एक दफ़ा, दो दफ़ा, तीन दफ़ा और चार दफ़ा और ये पांच दफ़ा कंप्यूटिंग पावर यूज़ होगी ना, तो मतलब 5 साइकिल घूमेगा प्रोसेसर और फिर जाके मुझे एल्स में ये पता चलेगा कि अच्छा ये तो 100 से बड़ी थी। तो क्यों ना मैं इसको यहीं पर चेक कर लूँ, 100 से बड़ी और 0 से छोटी एक साथ, है ना, लॉजिकल तो लग रहा है, लेकिन क्या ये करना चाहिए हमें। अच्छा, ये एक बाय द वे टॉपिक है, ये एक टॉपिक है, इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, क्या क्या होता है यार, मैं भूल रहा हूँ नाम, कोई बता सकता है, कॉम्प्लेक्सिटी एंड एनालिसिस करके पता नहीं क्या एक सब्जेक्ट होता है, मैं नाम बिल्कुल भूल गया अभी, इसका एक सब्जेक्ट होता है बाय द वे, ठीक है, अल्गोरिथम एनालिसिस एंड कॉम्प्लेक्सिटी, क्या यही नाम होता है ना, क्या नाम होता है, हाँ टी एस ए, नहीं डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के बाद आता है ये, उसी का 2.0 है, वो तो 101 है ना, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, ये 102 है उसका, ये 102 होता है, उसके बाद आता है, उसका कोई अच्छा सा नाम होता है। एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एल्गोरिथम, ऐसे करके नाम होता है इसका। ठीक है, इसमें हम एल्गोरिथम को एनालाइज करते हैं और उसकी कॉम्प्लेक्सिटी को नापते हैं कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। ये एक सब्जेक्ट होता है, जो जो मैं ये बात बता रहा हूँ ना, ये उस सब्जेक्ट में डिस्कस होती है ये चीज़, तो आपको अगर पढ़ना हो तो हार्वर्ड, MIT इन सब के लेक्चर्स मौजूद हैं उसमें ये जाके। तो 101 होता है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, और अगला इसका 102 होता है एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी, कि एक एल्गोरिथम को एनालाइज करना कि वो कितना कॉम्प्लेक्स है और कितने साइकिल घूमेगा वर्स्ट केसेस में और बेस्ट केस में कितने साइकिल घुमाएगा वो प्रोसेसर को। अच्छा, तो अगर मैं इसको यहाँ पे चेक कर लूँ ना तो सही रहेगा, नीचे 4 साइकिल नहीं घूमेगा। अच्छा, लेकिन अब मैं यहाँ पे बिर भी नहीं करूँगा,
मैं यहाँ पे इसलिए नहीं करूँगा कि कितनी हाउ मैनी नंबर ऑफ टाइम्स ये होगा कि वो 100 से बड़ा ही है, जीरो से छोटा देगा नंबर, कम होगा ऐसा, ठीक है। तो आइडियली मुझे इस ज़ीरो को भी क्या करना चाहिए, लास्ट में कर देना चाहिए, ठीक है ना। आइडियली मुझे इस ज़ीरो को भी लास्ट में कर देना चाहिए। अच्छा, फिर हमने इसको ज़ीरो की तरफ से शुरू किया है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के नंबर 70-80 के दरमियान होते हैं, तो आइडियली मुझे इसको लास्ट से शुरू करना चाहिए था ताकि वो पहले आ जाए, कवर हो जाए। और ज़ीरो से छोटा और 100 से बड़ा, वो मुझे बिल्कुल लास्ट में कहीं कवर करना चाहिए था, ठीक है। तो अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ये तो एल्गोरिथम तो बन के तैयार हो गया, इसको हम कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एल्गोरिथम। एनालिसिस पहले करते हैं और फिर ऑप्टिमाइज करते हैं उसको, सही है। और कम से कम यानी कम से कम सीपीयू साइकिल यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट जनरेट करने का केस है ये, कि अगर कोई एक्स्ट्रा साइकिल तो नहीं घूम रहा। तो ये एक सब्जेक्ट है जिसमें ये चीज़ें डिस्कस होती हैं। अब लंबा टॉपिक है, यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन ये है कि वो फ़िलहाल अभी ज़रूरी नहीं है वो, ठीक है। अगर आप फ़िलहाल वो सब्जेक्ट्स ना भी पढ़े ना, प्रोग्रामिंग आ जाए, जस्ट आपको प्रोग्रामिंग के टूल्स आ जाएँ, तो ये तो इंशाल्लाह फिर ज़िंदगी भर चलता ही रहेगा। ये तो जब आप कहीं जॉब वॉब पे भी लगेंगे ना, कंपनी में जाएंगे, तो वो ट्रेनिंग खुद करवाते हैं इन चीज़ों की। उनको पता है कि यार ये वाला टॉपिक ना कोई यूनिवर्सिटी सही से पढ़ा रहा है, और जितने भी ये ना सारे वो ऐसे ही हैं। तो ये वो मेक श्योर करते हैं कि बंदे को पता होगी, क्योंकि ये चीज़ें अगर नहीं भी पता हो ना, कोडिंग जब भी कर सकता है बंदा, लेकिन कोडिंग करता है फिर वो कचरा। तो जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो चालाक होती हैं, वो कहती हैं यार इनको पता नहीं पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, वो मेक श्योर करने के लिए दोबारा पढ़ाते हैं ये चीज़ें आपको, ठीक है। तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। वेल, मैं क्योंकि मेरा कंप्यूटर साइंस से खुद बड़ा लगाव है, तो मैं ये चीज़ें एक्सप्लोर करता रहता हूँ। तो यूनिवर्सिटी में तो मुझे भी खैर नहीं पढ़ाया था, लेकिन मैंने बाद में खुद से पढ़ाया, ठीक है। चलो यार, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर मुलाकात रहेगी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है भैया।